ये रातें भी कितनी अजीब होती हैं। किसी से कांटे नहीं कटती, और कोई सोचता रहता है कि काश सुबह ही ना हो। यही रात किसी के लिए रोशनी की किरण तो किसी के लिए बर्बादी का सबब लेके आती है। ठीक है ठीक है, अरे मस्त दिख रहे अपन, लेकिन तू अपन को नहीं जम रही भाई। हाँ हाँ पता है तेरे को अपन की याद आ रही होगी। हाँ चल भेजता हूँ तेरे को। हाँ हाँ चल। अरे भाई मेरा एक फोटो लेगा क्या? हाँ जी। आजकल क्या है ना, फोटो भेजने का है। वाइफ गाँव गई ली ना, कल आ जाएगी वो। हाँ हाँ जी। ए भाई जी, किधर जाने का है? पता नहीं। अरे एड़ा है क्या? हाँ इधर किधर आयला है ये तानपुरा लेके सब? जी भैया मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार से। ए भैया होगा तेरा बाप, अपुन को है ना राजू भाई बोलते हैं, समझा? मर्द मराठा। जी। ए बिहार से भागकर आया है क्या? जी। तेरे को भागकर भागलपुर जाना था, ये मुंबई है मुंबई, समझा? तुम लोगों को सभी जगह से क्यों भगाया जाता है पता है? सोचा है तूने कभी? मुझे नहीं पता। तुम लोगों का है ना साला कोई प्लानिंग ही नहीं रहता है, बस झोला उठाया और चल दिए किधर भी। ये मुंबई है यहाँ है ना गंदगी नहीं करने का, समझा? जी भैया। ए भैया नहीं बोलने का, समझा ना? दूंगा एक कान के नीचे। सॉरी। चाय ला, कुटुन कुटुन येतात साले। ए, तेरे को बोला ना इधर गंदगी नहीं करने का। मैंने तो कोई गंदगी नहीं की। बिहार से भागकर मुंबई आयला है हा? और ये झोला बिला तानपुरा लेके, क्या ये गंदगी नहीं क्या रे? चल निकल इधर से, हमारे पास रहने को जगह नहीं। अरे चलना निकलना, तेरे को बोला ना। चाय ले। ए बिहारी इधर। अरे इकड़े है बाबा। किधर जाएगा? पता नहीं। ए बीबी है ना मायके गई है सांगली, तू रात तक है ना मेरे खोली पे रुक सकता है, समझा? चला जा। तेरे को आ बोला ना, बैठने को बोला ना तेरे को, चलना। जी चल लौकर। अकेला नहीं आया था। पक्का इस लड़की रहेंगी ना? बरोबर बरोबर ना। हम और फिरदौस एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिरदौस का सपना था बहुत बड़ी हीरोइन बनने का, लेकिन उसकी इस बात से उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। एक दिन फिरदौस की माँ ने उसको बताया कि उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है। फिरदौस ने अपने सपनों को टूटता हुआ पाया, मुझे फोन किया। उसके सपनों को पूरा करने के लिए मैं घर से कुछ पैसे लेकर बिना किसी को कुछ बताए उसके साथ मुजफ्फरपुर से पटना आ गया, जहां हमारी मुलाकात फिल्म एक्टर शशांक के पिता से हुई। हमने अपनी सारी बात उन्हें बताई, उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो मुंबई में शशांक से कहकर उसे ज़रूर मदद दिलवाएंगे।
मुंबई पहुंचकर जब रहने को होटल लेने गए तब पता चला कि शायद ट्रेन में पूरे पैसे ही चोरी हो गए। मैं पैसे खोजने के लिए वापस स्टेशन आया, तभी फिरदौस को किसी का फोन आ गया और वो अपना बैग देकर आ जाने कहाँ चली गई। ये मुंबई है मुंबई, इधर तेरे जैसे लव स्टोरी रोज बनता है। भाऊ वो मेरे साथ आई थी, मेरे भरोसे आई थी, वो बहुत प्यार करती थी मुझसे, वो फिर अचानक पता नहीं। ए, अधूरी प्रेम कहानी, तेरे को बोला ना भाग गई होगी वो किसी मर्सिडीज वाले के साथ। बात करता है, चल सो जा अभी और मेरे को भी सोने दे। कटकट, ये आराम नगर है मैडम, इसको फिल्म इंडस्ट्री का पहला स्कूल कहा जाता है। जी, जितने भी बड़े स्टार हैं, खान, कपूर, बच्चन, सब यहाँ से होकर गुजरे हैं। जी, ये हैं फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर गुलाटी। हेलो सर। ये आपकी किस्मत है जो ये आज हमारे बीच है, वरना ये कहीं कभी जाते नहीं है। उनके मिलने का मतलब ही है कि आपकी निकल पड़ी, आपको मिलवा दिया, मेरा काम खत्म। जी ठीक है। और हाँ, मेरी फीस दे दीजिए। ओके, मैं निकलता हूँ, अभी सलमान भाई भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके, गाड़ी लगा दे यार। और हाँ, बिल दे दीजिएगा यहाँ का। हाँ, चल ठीक है, चलता हूँ। देखो फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है ना, तो यहाँ के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जी क्या करना पड़ेगा सर? कानपुर जाकर कान पकड़ने वाली बातें तो मुझे आती नहीं। सीधा सा मतलब है, खूबसूरत हो, जवान हो। लेकिन मैं हर किसी के साथ सोने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, बस कुछ लोग हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, सोच लो। कौन होंगे वो खास लोग? सबसे खास तो अभी फिलहाल मैं ही हूं। वो गुलाटी भी ना बहुत हरामी है। खैर, भेज ही दिया मेरे पास। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तेरा मतलब मुझसे नहीं है, वो राजरानी से है। राजरानी? कौन राजरानी? धूप सी घर मरा, धूप सी सर्द रा, गर्म से जज्बात, गर्म से जज्बात, बिक रही चांदनी डाल हाथों में हाथ। बिना कारण उदासी क्यों अचानक घिर के आती है, थका जाती है क्यों मुझको, बदन क्यों तोड़ जाती है। धूप सी कर्म रात, धूप सी सर्द रात, कुछ नहीं आस है, शहर ये खास है, कोई दूर हो गया कोई तो पास है, कब कहां क्या मिले है नहीं ये शुरुआत, बिक रही चांदनी
डाल हाथों में सामने है खड़ी मंजिलें हैं पड़ी अब है आजादियाँ टूटी हर हथकड़ी बुझ रही राशनी में भी है कोई खास बात बिक रही चांदनी डाल हाथों में हाँ धूप सी कर्म रात धूप सी सर्द रात कर्म से जज्बात कर्म से जज्बात बिक रही चांदनी डाल हाथों में हाँ धूप सी कर्म रात धूप सी सर्द रात चांद हर कोई चाहता है उसके चाहत में लाखों करोड़ों सितारे आसपास रहते हैं मगर मैं समझी नहीं फिल्म इंडस्ट्री भी चांद पाने जैसा ही होता है अपना चांद कोई किसी को देना नहीं चाहता मैं भी नहीं मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं व्हाटएवर यू वांट क्यों क्योंकि मैं शशांक के साथ फिल्म करना चाहती हूं ये कैसा पागलपन है वो भी तो एक इंसान ही है और वैसे भी अगर चांद मेरा नहीं फिल्मों में काम करके मैं लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती हूं मरने के बाद भी तुम जैसी नई लड़कियां जब आती हैं ऐसी ही बहकी बहकी बातें करती हैं। एक चांस देते हैं प्रोड्यूसर वाजिद लोखंडवाला शशांक को लेकर एक फिल्म कर रहे हैं जिसका फाइनेंस भाई के हाथ में है मैं बोलती हूँ उसको तेरे बारे में ग्रेजुएट तो हैं लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कंप्यूटर टाइपिंग आती है नो सर लेजर बैलेंसिंग आती है सॉरी सर वो भी नहीं आता अच्छा तो क्या आपको ड्राइविंग आती है हाँ सर ड्राइविंग कर लेता हूँ लाइसेंस कहाँ का है सॉरी सर ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास केवल ग्रेजुएट होने से क्या फायदा सर मुझे काम की बहुत जरूरत है आप जो भी काम देंगे सर मैं कर लूंगा फिर तो तुम्हारे लिए दो ही जॉब खाली है ऑफिस की सफाई वाला और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड का दोनों में से जो समझो कर लो सर सर सिक्योरिटी गार्ड वाला मैं कर लूंगा सर सिक्योरिटी गार्ड आप कर दीजिए ए बिहारी किधर गायब था रात भर भाऊ रात को खोजने गया था मैं उसे फिर सुबह मेरा नौकरी का इंटरव्यू भी था मिली वो छोकरी इधर किधर मिलेगी वो उसको कामाटीपुरा में खोजने का था रांड बाजार है उधर समझा भाऊ वो ऐसी नहीं है भाऊ ए ये मुंबई है इधर ना तेरा ज्ञान नहीं चलता भाग गई होगी किसी अमीरजादे के साथ मेरे को लेट हो रहा है ट्रेन का टाइम हो गया है बीबी को लेने जाना है
थैंक यू भाऊ। गलत कहते हैं लोग कि मुंबई में इंसान नहीं बसते। ए, ज्यादा बच्चन मत दे मेरे को, समझा? तेरे को कोई प्रॉब्लम होएगा तो आप उनके पास आने का, और सुन, मुंबई छोड़ के मत जाना, समझे? यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ भाऊ? मेरी दुनिया तो इसी शहर में कहीं रास्ता भटक गई है, पता नहीं कब उसको मेरी जरूरत पड़ जाए। अच्छा भाऊ, मैं चलता हूँ। ए, चले चल बोल बच्चन, मेरे को लेट हो रहा है, समझा? So, Shashank's father has sent you. हाँ, उन्होंने कहा था कि शशांक से मेरी बात करेंगे। मैं आपको frankly एक बात बोल सकता हूँ? जी बोलिए। आप लोगों में एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम? ये है कि आप समझते नहीं हैं कि टॉप के 3-4 हीरोइंस को छोड़कर किसी को चांस नहीं मिलता। जब आप लोगों की बारी आती है तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर, कॉरपोरेटर, ना जाने कौन कौन इंटरफेयर करने लगता है। शशांक चाहे भी तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। पर मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी। उम्मीद तो सब लेकर आते हैं मिस, क्या नाम है आपका? जी फिरदौस। फिरदौस, चलो शशांक के साथ मैं तो फिल्म कर ही रहा हूँ। आई विल फाइनेंसर से बात करता हूँ। आई विल ट्राई फॉर यू। पहले सुना था और अब देख भी रही हूँ कि एक आर्टिस्ट को कितने रास्तों से गुजरना पड़ता है। बट ये तो हर इंडस्ट्री का नियम होता है ना फिरदौस, हर कोई यही चाहता है कि हमारा ही आदमी आगे बढ़े। फॉर इंस्टेंस, आप ये सोचिए कि एक फ्राइडे को शाहरुख खान के बेटे की फिल्म रिलीज हो रही है और उसी फ्राइडे को कोई मिस्टर शर्मा है, उनके बेटे की फिल्म रिलीज हो रही है। मिस्टर शर्मा के बेटे की फिल्म को 10 लाख की भी ओपनिंग नहीं लगेगी, लेकिन शाहरुख खान के बेटे की फिल्म को, फिल्म रद्दी भी हुई ना, 10 करोड़ की ओपनिंग लेकर जाएगी। लेकिन बाहर के बच्चों में अगर टैलेंट हो तो उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, इसलिए मेरी लास्ट की 3 फिल्में देखो न्यू कमर्स के साथ है। रिजल्ट क्या है? सुपर फ्लॉप। ऑडियंस गई नहीं फिल्म देखने। अवार्ड्स मिले, क्रिटिकल अक्लेम मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस 0। अरे जब ऑडियंस ही स्टार किड्स और नेपोटिज्म को सपोर्ट करेगी तो हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या कर लेंगे? अगर आप टैलेंट को इतना ही सपोर्ट करना चाहते हो तो बॉयकॉट द स्टार किड्स ना। लेकिन नहीं, ये तो हमारे कनेक्शंस हैं और किसी दबाव से शशांक जो है वो इस फिल्म का हिस्सा है। इट्स बिकम अ बिग फिल्म। हेलो, मी दत्तू बोलतो है। जी, मुझे पेइंग गेस्ट के लिए बात करनी थी। अभी किधर है तू? तत्ता भाऊ, जुहू बस स्टैंड पे हूँ। उधर ही किसी से एकता नगर पूछ। बिल्डिंग नंबर 12 33 नंबर फ्लैट में चला। जी भाऊ, मैं आता हूँ। देख, एक चीज तो मैं कट्टू कट बोलता है तेरे को कि 6,000 रेंट का लगेगा और 6,000 डिपॉजिट। तत्ता भाऊ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2-3 दिन में पूरे पैसे दे दूंगा। अरे तो तूने फोन पे क्यों नहीं बताया था कि तेरे पास पैसा ही नहीं है? 2-3 दिन। इधर एक दिन रहने का ठिकाना नहीं है और तू है कि 2-3 दिन मांग रहा है। देख भाऊ, तेरे जैसा पीजे मेरे को नहीं मांगता है। जाने दो दत्ता भाऊ, अभी कहाँ जाएगा इस शहर में है? कौन है इसका? अब इतना उम्र हो गया, समझ में नहीं आता है आपको? ए चरसी गब्बस, तेरे ऊपर 2 महीने का किराया बाकी है, समझा? इधर महीना पूरा नहीं होता और टेंशन खोपड़े पे आ जाता है। भाऊ, आप किराया तो 15,000 देते हैं और हम सबसे 20,000 लेते हैं, तो हर महीने 5,000 तो बचा ही रहे हैं ना। ए सोनू, तेरे को 5,000 दिखता है और मेरा 1,00,000 डिपॉजिट नहीं दिखता तुम लोग को? अरे अभी जाने दो ना दत्ता भाऊ, अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। ये काम तो भाई बस तू ही कर सकता है, तेरा तो सीरियल का मीटर डाउन है। हम लोगों को तो कैमरा देखे जमाना बीत गया। भाई ताने नहीं मारने चाहिए, और मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम एक रात की बुकिंग का 10 से 15,000 रुपए कमा कर लाते हो। तुम्हारे जैसे स्टार तो है नहीं, हम लोग रात भर अमीर औरतों को बजाते हैं और मजदूरी करते हैं, फिर जाके कुछ हासिल करते हैं। उसे मजदूरी नहीं, अय्याशी कहते हैं। दत्ता भाव, इसे बोल दो कि भौंकना बंद कर दे, जब देखो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है ये। ए, तुम लोग चुपचाप रहो, रहो चुपचाप, तुम लोग के टेंशन में एक दिन मेरे को हार्ट अटैक आएगा।
समझा? ए सोनू चल भाग अंदर, चल अपना भोरिया बिस्तर उठाओ और अंदर जा। ए तुम लोग भी जाओ अंदर। और सुन एक बात जी, 100 रुपया चटाई का अलग से लगेगा। ठीक है, हम भी जाए। ए तू खाना बना। ड्रिंक? जी नहीं, मैंने कभी पी नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है, घर का कभी माहौल ही नहीं रहा ऐसा। ऐसा और कुछ नहीं है, बस एक सुरूर है। और आपके जो पूरे दिन की थकावट होती है ना, वो इससे मिट जाती है। प्लस आप जिस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उसमें मिक्सअप होने के लिए ये बहुत इट्स योर विश। दो ले लेती हूँ थोड़ी। चीयर्स। अरे आराम से। मैरिड? डिवोर्स्ड। और बच्चे? डिवोर्स्ड हो गए, अब क्या छोड़ो। कहाँ रहते हैं सब? गुड़गांव में है अपनी माँ के घर पे। तुम्हारी लाइफ में कोई? मैं तो अकेली हूँ। कहने के लिए तो मैं भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, बट जिंदगी में एक अजीब सा अकेला बन रहता है। अकेली तो मैं भी हूँ सर, परिवार छोड़कर आई हूँ। पीछे के रास्ते सारे बंद हैं, अब तो सिर्फ आगे जाने का रास्ता बचा है। सब कुछ खो चुकी हूँ। फिरदौस, जिंदगी में ना इंसान ना कुछ हंसकर सीखता है, ना कुछ रोकर सीखता है। इंसान जब भी कुछ सीखता है तो कुछ खोकर सीखता है। Cheers. Cheers. ले आनंद ले। मार बेटा। यार गुरदास, देख भाई, हम लोग दुश्मन नहीं है भाई तुम्हारे। भाई घर तो कब का पीछे छोड़कर आ गया हूं, परिवार तो तुम ही लोग हो। भाई हम लोग तो कब के निपट गए होते अगर दत्ता भाऊ ने हमें सहारा ना दिया होता। लोग चाहे हमें जितना ही बुरा क्यों ना बोले, लेकिन जीने का रास्ता तो भाव ने ही बताया। स्ट्रगल हमारे समय में बहुत था, फिल्मों में काम छोटा छोटा मिलता था, लेकिन जब सिनेमा देखने जाओ तो हाथ दिखता था, भाव दिखता था, साली शक्ल तो कभी दिखीच नहीं। क्या करे, बहुत समय निकल गया बेटा, कभी नहीं कुछ किया जिंदगी में, ना शादी बनाई ना बच्चा। कुछ नहीं हो पाया। भाऊ अब ये मत कहना कि आपके बच्चे नहीं है। अरे नहीं, वो बात नहीं है। सेक्स वर्कर का काम मैंने उस वक्त पे शुरू किया था जिस समय मैं नटरा स्टूडियो में नाइट शिफ्ट करता था। एक रात नाइट में शिफ्ट खत्म करके लौट रहा था, शेयरिंग की टैक्सी थी, एक पटाका सी आइटम आकर सीधी मेरे टैक्सी में बैठ गई और बैठते ही उसने पकड़ लिया मेरा। क्या बात कर रहे हो भाऊ? सच्ची कह रहा हूं। फिर वो अपने घर भी ले गई, दारू भीरू पिलाया, खाना वाना खिलाया, रात में फुल एंजॉय किया और आने के समय 500 रुपए भी दिया। और अपन ने उसी दिन से सेक्स वर्कर का काम शुरू किया और आज वही चीजों को तुम लोगों को सिखाया मैंने। इस मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है। दत्ता भाव, अगर आपने ये काम हम लोगों को नहीं बताया होता तो आज हम भी न जाने कहां होते। अवार्ड शो की तरह ये सोने का शौक कहां से करते, कैसे करते कुछ नहीं पता। आजकल वैसे भी कहां बुकिंग आ रही है, जब से ये एड्स का बीमारी चला है तब से लोग बचते हैं। Mm-hmm.
हाँ राजीव बोलो। अरे कहाँ हो तुम और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मेरा फोन खराब हो गया था यार, बोलो। कहाँ हो अभी? मैं एक रिश्तेदार के यहाँ रुकी हुई हूँ, अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती। रिश्तेदार? अब ये रिश्तेदार कहाँ से आ गए? रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। ओके, और मैं तुमसे मिलती रहूंगी, बाय। ये तो तुम्हें पता ही है कि हमारे बाहर कनेक्शंस हैं, और यही कनेक्शंस कहीं ना कहीं इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। शशांक इस फिल्म से जुड़ चुका है, इट्स बिकम अ बिग फिल्म। उनका एक खास आदमी है सर। कॉफी? इनका एक खास आदमी है सुरेश भाटी। सुरेश भाटी? इन्होंने तो काफी सारी फिल्में की है ना? हाँ। सुरेश भाटी तो बहुत बड़ा नाम है। नाम पे मत जाना, कट्टर मुसलमान है। ये नहीं जानती थी मैं। रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें उससे मिलाने ले जाऊंगा। श्योर? या, लेकिन ये थोड़ा दूसरा टाइप का मिलना होगा। दूसरे टाइप का मतलब? मतलब कि मैं तुम्हें रात को ड्रॉप करूंगा और सुबह का पिकअप करूंगा। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? ये 1980s का रिएक्शन मत दो और मेरी बात समझो प्लीज। सुरेश भाटी अंदर से बिल्कुल एक खोखला आदमी हो गया है। अरे एक पैक पीकर तो वो टोन हो जाता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लड़कियां बुलाता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं लगता है मैं तुम्हें ऐसे वैसे कोई जगह पे भेजूंगा। वो सब तो ठीक है, पर वहाँ करना क्या होगा? अरे करना कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। शशांक की फिल्म में पक्का हो जाओगी तुम। पक्का? पक्का, यही सही टाइम है। अगर आगे बढ़ना है तो यही सही टाइम है। हाय सर। फिरदौस? वाह, बैठो। तुम कुछ कह रही थी? जी वो मुझे वाजिद ने, मैं तुमको बूंद से समुंदर बना सकता हूँ, ऐसा कहने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन मैंने अपनी फिल्मों में इंसान के असली जज्बातों को पर्दे पे उतारा है, जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। जी मैंने आपकी फिल्में देखी है। रियली? कथक आता है? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा और बहुत में देर इज ग्रेट डिफरेंस इन बिटवीन, थोड़ा और बहुत। जी थोड़ा थोड़ा। तो दिखाओ कुछ टुकड़े, कम ऑन। ता थई थई तत, ता थई थई तत, आ थई। वेट। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नीज, नीज शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। जी। कथक इज नॉट अ डांस, इट्स अ फीलिंग। फर्स्ट फील देन डांस, इट्स अ बेसिक ऑफ कथक, एंड हैंड शुड बी लाइक दिस। थई थई तत, ता थई थई तत, ता थई थई तत, ता थई थई आ थई थई तत, आ थई 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 तत। Thank you.
अच्छा भाऊ एक बात बताओ। हाँ बोलना। आपको आखिरी बुकिंग कब आई? मेरी बुकिंग बहुत लंबा टाइम हो गया रे, याद भी नहीं है। क्या होएगा कोई 21 साल तो हो गया होएगा। ए भाई लोग, भाऊ का 20 हो गया और अभी तक खाता ही नहीं। अरे खाता क्या खुलेगा बच्चा लोग, ऊपर जाने का टाइम हो गया। अरे भाऊ एक सच्ची बात बोलूं, आज रात को मैं जहां बुकिंग के लिए गया था ना, हाँ, वो माल बिल्कुल आपके मतलब का था। एक बड़े डायरेक्टर की बीवी थी और डायरेक्टर ने खुद अपनी बीवी के लिए मुझे हायर किया था। काय को? गो एंड एंजॉय। थैंक यू। आई Cheers. आपके हस्बैंड काफी अच्छे इंसान हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि सुरेश भट्ट एक जाना माना नाम है और ना जाने उनको कितने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। अवार्ड से मन को शांति मिलती होगी, लेकिन मन के अलावा भी कितनी जरूरतें हैं ना। लेकिन उनको हुआ क्या है? वो उम्र में ज्यादा थे, फिर भी मैंने उनसे शादी कर ली, इस्लाम भी कबूल कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री में शराब और ड्रग्स के चक्कर में उन्होंने खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया और तब से मेरी जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम की तरह हो गई थी। तुम जैसे लोग आते गए और फिर बच्चे भी हो गए। Wait. दस का वादा था, 15 दे रहा हूं। थैंक यू सर। लेकिन आज के बाद ये गली, ये पता और ये जगह भूल जाना। आप टेंशन मत लीजिए। सर अगर एक सेल्फी हो जाती तो मजा आ जाता। एक 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 सेल्फी ले ले सर। एक हाँ सर। गेट आउट। ओके 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 सॉरी। क्योंकि वो पी पी के खोखला हो गया है। रोज अपनी बीवी से झगड़ता। अरे भाई लोग अगर पी पी के खोखला नहीं होंगे तो अपना काम कैसे चलेगा दोस्त। लेकिन एक बात है भाऊ, ये बात किसी को बोलने का नहीं। बराबर भाऊ, पर अंदर से एक ऐसे लोग हैं ये अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। अरे हटा साकीना का, बना पैक बना भाई। बना भाई पैक बना। Thank you.
अधूरी प्रेम कहानी। क्या हो रहा है इधर? अरे राजू भाई, आप यहाँ? अरे अपुन को क्या, अपन इधर किधर भी, तू क्या कर रहा है इधर? और वो तेरी चिड़िया? पता नहीं राजू भाई। और रो गई ना, तुम साला बिहारी लोग को कितनी बार बोलेगा, तुम सुधरेगा नहीं साला। वो सब छोड़ो राजू भाई, अब आप बताओ घर में सब ठीक है? वो तो मस्त है एकदम। तू क्या कर रहा है इधर बोल? क्या राजू भाई, देख ही रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहे हैं। 7,000 पगार है और 6,000 पीजी में चला जाता है। अरे यार तुम्हें पता है तुम लोग सब जगह गाली क्यों खाता है? बैल के माफिक काम करेगा? दिमाग को क्या घर पे रखा है दही चूरा खाने को? चल नौकरी छोड़। और सुन, तेरा लाइसेंस भी निकाल देता हूँ और तेरे को टैक्सी चलाना भी सिखाता हूँ, फिर कमा लेना साले रोज के 1,000। राजू भाई आपके पहले ही मुझ पे बहुत सारे एहसान है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? ए बिहारी, जास्ती नहीं बोलने का, दूंगा एक कान के नीचे, चल। अरे चलना जी। चलिए राजू भाई, तेरे को मस्त सेट कर देगा, टेंशन नहीं लेने का, आ जा बैठ। शशांक ब्रो, दिस इज फिरदौस। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। आगे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जैसे तुम एक टाइम पे यू आर बर्स्टिंग विद टैलेंट, दिस गर्ल इज बर्स्टिंग विद टैलेंट। फिरदौस, या यू नो, या पापा से बात हुई थी? सिट, या हैव यू सिट। क्या हुआ, नर्वस हो गई शशांक को देखकर? I'm so excited, sir. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मिल रही हूँ। और वाजिद भाई, what's going on? Just yeah, brother. आपसे क्या छुपा है? You know that एक deal जो है बस वो workout हो रही है। Done है? जैसे ही workout होगी and मैं सोच रहा हूँ कि bro इसका जरा announcement है ना इस film का। कुछ ऐसा पुराने जमाने में मुहूर्त shots होते थे ना? That big, create like a massive racket. Okay, sounds fantastic. Yeah, but आपकी dates. वाजिद भाई, इधर मैंने कई agreement cancel किए हैं. Okay. जिस वजह से कई फिल्में भी मेरे हाथ से जा चुकी हैं. इसलिए इस फिल्म से मेरी पूरी उम्मीदें हैं. नहीं भाई, उम्मीद तो हम सब की है, लेकिन एनी प्रॉब्लम? वाजिद भाई आपसे भी कुछ होगा नहीं, और मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं इस सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ओके। बाय द वे, ये नई लड़की है। वाजिद भाई एक काम करो जी, एक वर्कशॉप रख लो। या क्योंकि इस फिल्म को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क हम भी नहीं लेंगे भाई। सर मैं बहुत अच्छा करूंगी, आई प्रॉमिस। ए भैया लोग, तुम लोग कितना मिर्ची खाता है रे, ये सब मेरे को नहीं जमता है। अरे हरी मिर्च से याद आया, कल हरी मिर्च प्रोडक्शन में ऑडिशन है, लंबा सीरियल है, आ रहे हो ना तुम लोग? यार देख भाई, ये ऑडिशन दे देकर घिस गया हूँ मैं, घिन आती है मुझे अब ये नाम सुन के भी, ऑडिशन ऑडिशन। हाँ यार, काम भी मिलता है वन डे या टू डेज का। देख मेरे को खूब पता है, इधर बाहर वालों के लिए कोई जगह ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे कह सकते हो दत्ता बाबू? हाँ, राजकुमार राव, विक्की कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या ये सब कपूर और खान के खानदानी हैं? हैं? देख, दो चार लोगों को छोड़ करके पूरी इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ। इधर सारे लोग एक स्टार सन को बनाने के लिए अपना पिछवाड़ा घिस देते हैं, लेकिन वही एक आम आदमी की बात हो, देखो फिर। हाँ सही कहा दत्ता बाबू, कोई भी कलाकार अगर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो पूरा का पूरा गिरो उसके पीछे पड़ जाता है। ये इंडस्ट्री खानदानी सफा खाना बन गया है, जिसको भी इलाज कराने का है इधर आके दवा खाने का चक्कर लगाना ही चुमंगता है। हाँ नहीं तो सब मिलकर धर लेंगे, फिल्में बंद करवा देंगे, रिलीज रुकवा देंगे, पूरा का पूरा करियर बर्बाद। देखो भाई, पूरी गलती आम आदमी की है, नए टैलेंट को आप बढ़ावा क्यों नहीं देते हो भाई? उनकी फिल्म्स की भी टिकट्स खरीदो। देखा, देर से बोला लेकिन बराबर बोला। आपका फोन भी बराबर बोला। क्या बात कर रहा है? कौन है भाई? अरे निकल। हाँ हेलो, कौन? अच्छा मैं अभी देखता हूं।
अरे बोला ना अभी देखता हूँ, अरे रुक तो सही। हे बच्चा लोग, अपुन दिन में कोई सपना अपना तो नहीं देख रहे लाए? क्या हुआ भाऊ? अरे आज अपुन का भी बुकिंग आ गया ला रे। अरे रुक 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 रुक, कोई बुड्ढी नहीं है, जवान 16 साल की छोकरी है। क्रॉस चेक कर ले भाऊ, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? अरे बराबर से चेक किया है, सामने वाले को एक्सपीरियंस होल्डर मांगता है, क्या टेस्ट बदलने का है। और सुन, 20,000 रुपया भी देगी। क्या बात है, ए भाव बताना प्लीज। अबे हट ना चर्सी। हट अपने धंधे में कौन है? अपने धंधे में बेटा प्राइवेसी तो मांगता है ना। अरे वो सब छोड़ो भाव, बुकिंग टाइम क्या है? रात के 10 से 5 पनवेल फार्म हाउस। How are you? Fine, I'm good. इतनी देर कहाँ लग गई? कहाँ थी अब तक? तुम्हें तो पता ही है, भाटी सर के पास जाओ तो आने नहीं देते, थोड़ी थोड़ी देर करके बच्चों जैसे रुकने लगते हैं। भाटी सर के यहाँ ही थी ना, या फिर? Come on सुशील, तुम भी ना, कभी कभी तो। क्या कभी कभी? मैं तुम्हारी हूँ, don't worry. क्यों? कभी तो तुम ही कहा करती हो कि तुम एक पागल हवा हो, किसी की नहीं हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कहने का क्या है, कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि शशांक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो तुम हीरोइन क्यों नहीं बनी? देखो, मैं पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखता हूँ, मैं तुम्हें किसी प्रोड्यूसर को रिकमेंड नहीं कर सकता। चलो एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि हमारा कोई रिलेशनशिप भी है, पर क्या है ये? पता नहीं, लेकिन बड़ी अजीब है ना ये फिल्मी दुनिया, यहाँ हर रिश्ता अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, कौन अपना है कौन पराया है पता ही नहीं चलता, और इस रंग बदलती दुनिया में सब कोई एक ही बात पूछता है कि तुमने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है। खैर छोड़ इन सब बातों को, I have something for you. रहो चाहे दूर रहो चाहे पास, कोई भी किसी का नहीं यहाँ खास, मस्ती में भी सस्ती सवाली जिंदगी, ये खाली जिंदगी ये साली जिंदगी। रहो चाहे दूर रहो चाहे पास, कोई
लफ्जों की बात सुनो, जज्बात ये जिस्मों का खेल है, छुड़ा मत अपना हाथ। ये रंग बिरंग निराले जिंदगी, ये खाली जिंदगी, ये साली जिंदगी। रहो चाहे दूर, रहो चाहे पास, कोई भी किसी का नहीं यहाँ खास। मस्ती में भी सस्ती सवाली जिंदगी, ये खाली जिंदगी, ये साली जिंदगी। रहो चाहे दूर, रहो चाहे पास, कोई भी किसी का नहीं यहाँ खास। मस्ती में भी सस्ती सवारी जिंदगी, ये खाली जिंदगी, ये सारी जिंदगी। ए राजीव, हाँ? जा टैक्सी लेके आ। हाँ लेके आ। साथ में रहना, हाँ। तेरे को जल्दी आ। अरे बाबा रहूंगा। ए सोनू, क्या हुआ भाऊ? क्या हुआ? थोड़ा पानी पिला ना बेटा। भाऊ खाओगे तेल, पियोगे दारू, वर्कआउट तो करोगे नहीं ना, तो एसिडिटी तो होगी ना। अरे यार तू बकवास कम कर, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, रुक जाओ, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। क्या हुआ भाऊ? क्या हुआ भाऊ? जल्दी ला पानी, ए पानी पीला यार। भाऊ भाऊ क्या हुआ? भाऊ भाऊ क्या हुआ? अरे गाड़ी लेके आ भाई। भाऊ क्या हुआ? भाऊ भाऊ उठो भाऊ, क्या हुआ भाऊ? गाड़ी लेके आ राजीव। भाऊ क्या हुआ? अरे यार लेकिन चलना कहाँ है? कोकिला बहन चल। अरे यार बहुत महंगा इलाज होता है यार। हे गुरदास, तेरे पास पैसा है? नहीं भाई बिल्कुल पैसा नहीं, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो गई है भाई। राजीव तेरे पास है पैसा? अरे यार तुम लोग तो मेरी हालत जानते ही हो। ए भाई कुछ कर भाई। अरे चल ठीक है, जाने दे। हे भाऊ हौसला रखा, हौसला रख, तुझे कुछ नहीं होगा। तू अपनी ज्वेलरी बेच दे, भाऊ को बचाना है प्लीज। नहीं यार। क्यों नहीं? साले कैसा इंसान है रे तू? उस इंसान की मदद नहीं करेगा जिसने तुझे पत्थरों की सैर पर चलना सिखाया? वो बात नहीं है भाई। फिर क्या बात है? क्या बात है यार, मुझे नहीं पता था ये टाइम पे तू इतना मतलब ही हो जाएगा। ए राजीव एक काम कर यार, कपूर हॉस्पिटल चल, चल जल्दी। हाँ ठीक है। ए भाई मैं क्या बताऊ, इस झूठी फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ मैं। इस जिंदगी की तरह ये ज्वेलरी भी झूठी है भाई, झूठी है, पीतल की है भाई। जल्दी कर, जल्दी कर। मैम प्लीज इन्हें जल्दी एडमिट कर लीजिए प्लीज मैम। जी कुछ फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा कर दीजिए और 50,000 जमा कर दीजिए। हमारी मजबूरी समझिए मैम, पहले इन्हें एडमिट कर लीजिए, हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। सॉरी हमारे हॉस्पिटल का रूल यही है। मैडम आप एडमिट कीजिए, पैसों का बंदोबस्त मैं करता हूँ। मैडम प्लीज। नहीं कहाँ से लाएगा तू? क्या कर रहा तू? भाऊ की बुकिंग पे मैं जाऊंगा। हाँ। तुम ख्याल रखना। हाँ। आता हूँ, आता हूँ, मैं आता हूँ। प्लीज भाई। भाऊ, भाऊ, भाऊ उठना भाऊ।
घबराओ मत, अंदर चले आओ। तुम वो तो नहीं, पर उससे भी ज्यादा अच्छे हो। मैडम, आपने जिनको हायर किया था उनको हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मजबूरी में मुझे आना पड़ा। अब आएगा मजा, मगरूर और मजबूर के बीच का मजा। मैं कुछ समझा नहीं। तो अब समझ जाओगे। पैसा चाहिए ना तुम्हें? जरूरत है मेरी, मैं लेकर आती हूँ। ढेर सारे पैसे, कभी देखें। पैसा चाहिए तुम्हें? जी। तो तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। जी, मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगा, जरूरत है मेरी। कुछ भी करोगे, राइट? जी। तुम्हें एक रेप करना होगा। रेप? किसका? मेरा। ये क्या कह रही हैं आप? अरे राजन। हेलो। क्या हुआ पैसों का? अरे पैसों का बंदोबस्त हो रहा है। तुम कब तक आ रहे हो? जल्दी आओ। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, पैसे हो गए हैं, मैं आता हूँ। ख्याल रखो मैडम, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये पैसे, हाँ, चाहिए तुम्हें? जी। पैसे चाहिए? लो पैसे चाहिए। तुम्हारी नजर उतारने का मन कर रहा है। ये ले मैडम। अरे ले। आप पैसे चाहिए, ये ला। देख कितने सारे पैसे, देखे। तू मजबूर है ना, तुझे पैसे चाहिए। मैडम मुझे ये पैसे चाहिए तुझे। मैडम पैसे चाहिए तुझे? हाँ, पैसे चाहिए। हाँ? मुझे ये पैसे दे दो। पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तुझे? पैसे? मैं कह रहा हूँ दे। लेना पैसे। अब... करती हो। मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत बहुत। यही चाहिए था ना तुझे? नहीं। हाँ? मेरा कोई नहीं। रेप चाहिए? मेरा कोई नहीं। ओ, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। रेप चाहिए था ना? नहीं, ओ, प्लीज, छोड़ दो। नहीं, प्लीज मुझ पर ये इल्जाम मत लगाइए। नॉट दैट। सच तो यही है ना नेहा, कि कलकत्ता आकर तुम बदल गई हो, भूल चुकी हो वो प्यार, वो वादे, वो कस्में, सीन फाइव को कंटिन्यूटी में डाल को, वो गांव, वो अपनापन, वो माँ, वो बाप, सब कुछ भूल चुका हूँ। बस याद है तो अपने सपने और अपना रुतबा। बदल गई हो तुम, बदल चुकी हो। Hey!
व्हाट हैपेंड? ये इमोशनल हो गई, देखो इसको। अरे नो नो नो, वो एक्चुअली क्या है ना, शशांक, शी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। ओके, शी इज जस्ट टू एक्साइटेड के आपके साथ सीन कर रही है। आई नो ना, मैं इससे बात करता हूँ। चलो चलो उठो ना, डोंट क्रिएट अ सीन। अरे दो तीन दिन में परफेक्ट हो जाएगी। ओके, आई एम टेलिंग यू। ओके गाइस, आई वांट टू लीव, एक्सक्यूज मी। हां या या श्योर, इवन आई वांटेड टू टॉक टू यू एंड ओके, कम ऑन, गेट बैक टू नॉर्मल। जी हुजूर। सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 100 करोड़ गारंटीड है, इट्स डन। देखिए जो सेटअप है, सबसे पहले तो उससे गारंटीड है, उसके बाद आजकल तो अब टीवी के साथ म्यूजिक के साथ OTT राइट्स भी आ गए हैं। ठीक है। और नहीं हुआ तो सर वो ठीक है, मैं सोच के जल्दी बताता हूँ। अरे क्या हुआ, परेशान क्यों हो? वाजिद, क्या हुआ? कुछ नहीं, प्लीज बताओ ना। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी टेंशन। कहीं आपकी टेंशन की वजह मैं तो नहीं? हाँ तुम ही हो। क्या? मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो फिल्म डील हो ही गई है, मतलब बस होने वाली है। वो तो सही है, पर आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे टेंशन में नहीं देख सकती। बताइए मुझे क्या करना होगा। बस यूं ही हमेशा मेरे पास रहो, मेरा साथ दो, कम है। अरे आप वही तो नहीं जो सास बहू और छिपकली सीरियल में आते हो? Yeah, you are right. Oh, that's great. By the way, my name is माही खान। गुरुदास। वैसे माही खान नाम का फैशन सा चल पड़ा है, जिसे देखो वही माही खान। By the way, आप यहाँ कैसे? लेट नाइट शूट था, अभी पैकअप हुआ है, ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ। By the way, घर कहाँ? एकता नगर। अगर आप बुरा ना मानो तो लोखंड वाला रास्ते में ही पड़ता है, क्या आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे? Yeah, of course, why not? Here he is, come. Yes. Come. ड्राइवर, गाड़ी लोखंड वाला होते हुए एकता नगर ले चलो। So, how's feeling? Don't even ask. मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपके साथ, you know, आपके साथ, आपके इतने करीब यहाँ बैठी हूँ और लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। By the way, आपके पास कार कौन सी है? BMW. OMG. I just love BMW. Yeah. Yes. That's great. By the way, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, sure, why not? आप शादीशुदा हैं या फिर? Well, मैं तो अभी तक करियर बनाने में लगा हुआ था, शादी के बारे में तो सोचा ही नहीं। You know, जब मैं आपसे मिली, I was like कि पता नहीं, you were star, तो आप कैसे बिहेव करोगे? But you were so humble, so sweet. Thank you. Actually, घर मेरा रास्ते में ही पड़ता है, तो हम बस वहाँ एक कॉफी पियेंगे, एक सेल्फी लेंगे और आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Okay. Cheers. Cheers. So you liked it, right? Yeah, right. तो आप अपनी ड्रिंक को एंजॉय करो और मैं आपके लिए नूडल्स बना के लाती हूँ। ओके। एंजॉय योर ड्रिंक। तो ये रहा आपका नूडल्स। What happened? Sit down. Are you okay? सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। Okay, don't worry. मेरे पास बहुत अच्छा तेल है। You feel much better. बहुत अच्छा मसाज कर दूंगी मैं आपका।
Are you feeling better? So sorry. कल रात में थोड़ी ज्यादा हो गई थी. ज्यादा हो गई थी? अब तो तुझे ये भी याद नहीं होगा कि तूने मेरे साथ क्या किया. प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो. हरामी, भूखे भेड़िए, अब तो तुझे ये भी याद नहीं होगा कल रात को तूने मेरे साथ क्या किया. प्लीज प्लीज चिल्लाओ मत. प्लीज चिल्लाऊंगी. मैं चिल्लाऊंगी. प्लीज प्लीज चिल्लाओ मत, वरना आसपास के लोग सुन लेंगे. प्लीज प्लीज. जब तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की तब तो तुझे ये नहीं दिखा लड़की की कोई इज्जत नहीं. लड़की की कोई इज्जत नहीं. मैंने 4 महीने से घर को पहुंचा नहीं दिया है. प्लीज मेरी बात सुनो. कोई नहीं पूछता. प्लीज मेरी बात सुनो. कोई भी नहीं पूछता. मेरी 10 साल की मेहनत, मेरा करियर, मेरा सब चौपट हो जाएगा. मैं रोड पे आ जाऊंगा. मैं मर जाऊंगा. प्लीज तू मर जा हरामी भूखे भेड़िए. मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है. मुझे माफ कर. तुम जैसे अय्याश भेड़ियों की वजह से ये पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम है. मेरे पास ना BMW कार है ना. मैं तो पीजी में रहता हूँ. तू अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ यही करता है ना? नहीं नहीं. यही करता है ना? बैंक अकाउंट खोल. क्या कर रही हूँ? बैंक अकाउंट खुला है तेरा. मैं तेरे अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर लूंगी. कहाँ है मेरा मोबाइल? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ. प्लीज 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 प्लीज. हेलो पुलिस स्टेशन. मैं समझती थी प्रोड्यूसर ही फिल्म का मालिक होता है. जो चाहे कर सकता है. बाहर से जरूर ये लगता है, लेकिन अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है ना, माफी चाहता हूँ. पता नहीं कब, ना जाने किस किस स्टेज पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. वाह, अब तूने मुझे छोड़कर इसे पकड़ लिया. तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी. अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी. कौन हो तुम? तू मुझसे पूछती है मैं कौन हूँ? तेरी वजह से इसने मुझे ठुकराया. 5 साल से फिल्म का लालच देकर मेरे जिस्म को नोचता रहा. मेरा धर्म भी बदल दिया. और इस फिल्म के लिए अब हिरन तुझे साइन कर रहा है. यू बास्टर्ड, हरामी कुत्ते, कमीने साले, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी. मी टू में तेरा नाम लाऊंगी. तुझे मीडिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी. मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी. तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. तेरे जैसे 50 लड़कियां मेरे ऑफिस के बाहर दुआ मांगती है कि मैं उनके साथ एक बार सो जाऊं. Take the bitch. मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी. पुलिस में जाऊंगी. मैं तेरी कंप्लेन करूंगी. वाजिद, क्या था वो? जसम, bitch wanting publicity. हेलो. हेलो, बहुत आवाज आ रही है. देख तेरे मोबाइल में एक वीडियो आया होगा. मुझे छोड़ दो, मैं मजबूर हूँ. हाँ
क्या है ये सब? ये वही है कमीने जो पाप तूने उस रात किया था। भोले भाले लड़कियों को फंसाता है, उनका रेप करता है और भूल जाता है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। ये क्या क्या कह रही हैं आप? पुलिस स्टेशन तेरे घर से बस 500 मीटर की दूरी पर है और मेरे हाथ में तेरा रेप किया हुआ वीडियो। अरे मैडम प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। ठीक है तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा सुन वैसा कर। मैं करूँगा लेकिन करना क्या है? मोबाइल एक्सचेंज। मोबाइल एक्सचेंज? मैडम आ गया तू? अब जब आ ही गया है तो कैश दिस बैग, इसमें मोबाइल्स और कस्टमर के लिस्ट है, उनको पहुंचा देना। गेट आउट। अंजलि का शव आज पंखे से लटका हुआ पाया गया। ये अभिनेत्री पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी। पिछले काफी दिनों से उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये पुलिस के लिए एक बड़ा विषय बना हुआ है। सब कुछ नहीं तो बिना बात के टेंशन होगा। ठीक है, रिलैक्स। वाओ, क्या कशिश है तुम्हारे जिस्म की। लगता है शिकारी बहुत दिन से प्यासा है। बहुत समझदार हो, तुरंत मेरी जज्बातों को समझ गया। मैं अपने हुनर का माहिर हूँ। अच्छा तो अपने हुनर के हथकंडे हम पे भी आजमा लो ना मेरी जान। आंखें खोलने की इजाजत तो दीजिए, जरा हुस्न का दीदार तो हो। कहीं तुम मेरा हुस्न देख के हैरान तो नहीं हो जाओगे ना, क्योंकि मैं किसी को आंखों से पट्टी उतारने की परमिशन नहीं देती हूँ। बिल्कुल नहीं, पुराना खिलाड़ी हूँ, स्ट्रगलर हूँ, मौका ही नहीं मिला कभी। अच्छा, मौके तो बहुत से मिलेंगे, एक बार दिल में तो उतर कर देखो। स्टार बना दूंगी, स्टार। ओ, हाँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे हुस्न को देख के हैरान हो गए ना? नहीं, जिस तरह से ब्रोकर ने वीआईपी बुकिंग दी थी मैं समझ गया था कि शायद आप ही होंगे। अच्छा, चादर में पैर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, माल भी मिलेगा और हुस्न के साथ हो सकता है कि अगली फिल्म में काम भी मिल जाए। ये मेरा गुड लक है, बहुत सुना था आपके बारे में। मेरे जिंदगी का स्ट्रगल ही आप तक पहुँचने का था। अच्छा तो चलो फिर कुछ काम की बात कर लेते हैं जी। स्टार्टअप में क्या लेंगे आप, बियर, वोडका, वाइन या स्कॉच? रम होगा क्या? मिलेगा तो कुछ भी, बस इशारा तो कीजिए। लीजिए ना। बहुत बेवफा हो, मुझे तो पिलाया ही नहीं। ओ, सॉरी। एक काम करो डार्लिंग, मुझे ना। बोलो ना सोना बेबी, क्या हुआ? दो तीन पैक यही रम दे दो ताकि मैं मार मुर के
किस्सा खत्म कर दो। ये किस तरह का प्यार है तुम्हारा? दिल में कोई जज्बात ही नहीं है क्या मेरे लिए? फीलिंग है, दिल से है, दिल की गहराइयों से है। आई लव यू। लव यू टू यू सोना। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तू मर्दों की ना ये जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं है। ए, ज्यादा बकबक नहीं करने का, चल जल्दी खोल। अरे अरे ये क्या कर रहे हो एक अबला के साथ? एक अबला का तबला बजाने जा रहा हूँ, चला इधर। अरे लेट। ये क्या कर रहे हो? हाँ तो मिस्टर और मिसेस चरण, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक आम आदमी, एक स्ट्रगलर जब हद से आगे निकल जाता है तो वो क्या कर सकता है। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ हरामजादे, तेरा ये घिनौना चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, जिसके फिल्मों के लोग दीवाने हैं आखिर वो लोग हैं कैसे। सुजीत कोई फायदा नहीं है, बुलाओगे बात यहीं बढ़ जाएगी। तो क्या कीमत दो और बात यहीं खत्म कर दो, ताकि मैं भी अपने गांव जाकर बची हुई जिंदगी सुकून से जी सकूं। सोच लो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। अबे चुप साले, तू है तेरी फिल्म इंडस्ट्री पर, लात मारता हूँ, नहीं बनना मुझे एक्टर, घिन आती है मुझे, तुम जैसे लोग ही इंडस्ट्री पर अपना जाल फैला के रखे हो। कीमत बोलो। 5 करोड़। हाँ, लेकिन 10 करोड़। अच्छा ओके ओके, वेट वेट। लेकिन ध्यान रहे, कोई होशियारी नहीं, दूसरी कॉपी भी हो सकती है मेरे पास। आज एक और आदमी चेक लेके निकला है घर से, समझ गए ना? 10 करोड़, अब तो अपनी जिंदगी ऐसे गुजरेगी। हाँ, अब मैं अपने गांव चला जाऊंगा। हेलो, हो गया ना काम? हाँ इस बार तो हो गया काम, लेकिन अगली बार नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन उसके हाथ में 10 करोड़ का चेक था, उसका क्या हुआ? वो मैं कुछ नहीं जानता, वो मुंबई पुलिस देख लेगी। रोल कैमरा, एक्शन। सुनो बेटा, अभी तुम वहां मत जाना, अभी वहां बहुत खतरा है, धारा 370 अभी अभी हटी है। आप चिंता मत करो काका, मैं जल्दी सारी मुश्किलों को पार करके घर वापस लौट आऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां पर कोई खतरा है, क्योंकि श्रीनगर हमारा है। और अब देखना काका, बहुत ही जल्द हम कश्मीरी पंडितों की वापसी श्रीनगर में होकर रहेगी। सर आपसे कोई मिलने आया है। चलो
सर मैडम ने आपके लिए फोन भेजा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वाजिद भाई, वाजिद भाई, भाई वो क्या करते हो यार तुम? क्या बोलूं मैं तुम्हें, कर दिया ना तमाशा। तो भाई अबे ये 90s का टाइम नहीं है यार, जेल में जाओगे यार। चलो अंदर आओ, चलो अंदर। अरे कौन है ये लोग? मेरे दोस्त हैं, दो तीन दिन यही रहेंगे। ऊपर चलो, ऊपर जाओ। हाँ कल सुबह मिलना, सुबह नाश्ते से पहले मत मिलना, ठीक है? वाजिद, हाँ? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। वाजिद क्या हुआ, सच बताओ? क्या सब कुछ सही है ना आपकी लाइफ में? सब कुछ बहुत सही है मेरी लाइफ में। Sure? Very sure. ओके, अब तुम जाओ। और वाजिद भाई जी, आज यूं अचानक मिलने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? एक्चुअली आप जो हो ना ब्रो, आप हाथ में आते हो नहीं, तो हमने सोचा आज आकर आपको पकड़ ले। ऑनेस्टली फिरदौस थोड़ी परेशान सी है थोड़े दिनों से, तो मैंने सोचा यहाँ लाऊंगा तो खुश हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ? एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस आई थी। ओके। तमाशा किया उसने बहुत ज्यादा, चिलम चिली की और ब्लेम, आपको तो पता ही है क्या होता है एंड ऑल। अरे भाई ऐसी लड़कियों से बच के रहो, क्योंकि ऐसे भी आजकल मीटू का बहुत मीटू नहीं, मीटू के रेडार के भी नीचे आओ। अरे वन सेकंड, आई जस्ट टेक दिस कॉल। श्योर। या हेलो, या सर, प्लीज मुझे आपका नंबर मिल सकता है? या श्योर, गिव मी योर सेल फोन। जी वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, सो सो सॉरी अबाउट दैट, इम्पोर्टेंट कॉल थी, लेना पड़ा। यू स्माइलिंग ब्रो, आपने वर्कशॉप का जिक्र किया था, तो हम बताएं कब से कर सकते हैं वर्कशॉप? इस संडे को रखते हैं। संडे, संडे साउंड्स ग्रेट। संडे, हाँ? खुश हो जाओ। मैं खुश ही हूँ वाजिद। शशांक के साथ ही वर्कआउट है, मतलब वर्कशॉप है। मैडम प्लीज कुछ कीजिए, मैंने जो भी किया आपके कहने पे ही किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। मैं तो शहर में सिर्फ फिरदौस के लिए था। फिरदौस, वो दो कौड़ी की एक्ट्रेस फिरदौस। आप जानती हैं फिरदौस को? बहुत अच्छी तरह। हीरोइन बनने के लिए न जाने कितनों का बिस्तर गर्म किया है उसने, तुम गिनती भी नहीं कर सकते। वाजिद लोखंडवाला, सुना है उसकी तो बीवी बन के रह रही है आजकल, हीरोइन बनाने वाला है उसे, और अगले महीने उसकी लॉन्चिंग पार्टी है, मैं भी जा रही हूँ वहाँ। मैडम जो भी हो, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वो एक ना एक दिन वापस जरूर आएगी। बेवकूफ मत बनो, बल्कि बेवकूफ बनाओ, पैसे कमाओ, इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखो, कदमों के नीचे पावर तब होगा तुम्हारे पास। और हाँ,
पुलिस के पास जाने की सोचना भी मत। फिरदौस कंट्री क्लब में डांस प्रैक्टिस कर रही है, विश्वास ना हो तो जाकर देख लो, खुश है वो अपनी जिंदगी में। बेवकूफ। कंट्री क्लब। Come on, come on. Very good, very good. Let's try doing this once more. Come on, guys, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You're right. Come on, come on. Firdaus, khulo. Come on. Superb. Come on, Firdaus. Come on, more energy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आज आप अकेली आई हैं? वाजिद को बुरा लग सकता है। जी वो तो है, पर मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए या। आप कहना क्या चाहती हैं सर? फिल्म इंडस्ट्री को जो मैं सोचकर आई थी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरफ फ्रॉड, धोखा। पिछले कुछ महीनों में मेरे कुछ जानने वालों ने सुसाइड किया है। कुछ खास लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, मुझे फिल्मों से निकाल रहे हैं क्योंकि मैं उनकी गुलामी नहीं कर सकता। तो फिर आप कैसे? आप ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए। फिल्म के सक्सेसफुल होने पर हम सबको जवाब देंगे, सो प्लीज। अरे नहीं सर, आप मुझे प्लीज मत बोलिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप फिल्म की हीरोइन हैं, फिल्म पर फोकस कीजिए। और सच कहूं, आपसे ज्यादा मुझे इस फिल्म की जरूरत है। सर मुझे भी बहुत जरूरत है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गॉड ब्लेस यू। फिरदौस कहाँ थी यार तुम? फ्रेंड क्या गई थी? फोन क्यों ऑफ था? अरे फोन की बैटरी भी खत्म हो सकती है। तुम्हारी बैटरी? मेरी बात तो सुनो फिरदौस, मैं तुमसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गुड न्यूज शेयर करना चाहता था। हाँ? क्यों इरिटेट कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल तुम बदल चुकी हो? अच्छा बताओ क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज ये है फिरदौस कि हम लोग इतने दिन से जो टेंशन लेकर बैठे हैं कि फिल्म के बारे में, वो फिल्म ओके हो रही है। कल बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी में ये डील साइन होगी और 2 दिन बाद हम लोग दुबई जाएंगे और हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। वाओ, दैट्स ग्रेट। एक बात बोलूं, पहले तो तुझे कभी देखा नहीं इधर। अब नया आईला इधर कहां से? अपन नासिक से है। तू बता कब से ले रहा है सब? मेरा छोड़, मेरी तो पूरी जिंदगी घाट को पर बन गई है। आया था एक्टर बनने घर छोड़कर। टेंशन में माँ बाप भी ऊपर ऊपर निकल लिए। हासिल हुआ तो जिंदगी का ये मेरा दोस्त। हासिल तो तू बहुत कुछ कर सकता है अगर तू चाहे तो। कैसे? ये बता ये गर्द कहां से आती है? क्या बताऊं, किसको बताऊं, क्या हासिल होगा? सुन, पुलिस का इन्फॉर्मर बन जा, माला माल हो जाएगा। तो तू पुलिस वाला है? सही पहचाना, पुलिस वाला हूँ। फंसा मैं नहीं, फंसा राजीव है।
जताएगा रोएगा जाएगा कहा कोरोना 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 है यहाँ सैनिटाइज आइसोलेट क्वारंटाइन नॉर्मल जिंदगी जीना है तो यही है टास जताएगा रोएगा जाएगा कहा कोरोना 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 है यहाँ रखो डिस्टेंस हो गर्ल्स या हो कोई जेंट्स मिला कोई खास हैंड कर लो आशन नहीं तो जिंदगी से हाथ धोना है यहाँ कोरोना 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 है यहाँ रखो डिस्टेंस हो गर्ल्स या हो कोई जेंट्स मिला कोई खास हैंड्स कर लो आशन नहीं तो जिंदगी से हाथ धोना है यहाँ कोरोना 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 है चल फैलाया है ये जाल आएगी वैक्सीन तो भागेगा ये चीन फिट चैन के चादर में सोना है यहाँ कोरोना 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 है यहाँ है चाइना के चाल फैलाया है ये जाल आएगी वैक्सीन तो भागेगा ये चीन फिट चैन के चादर में सोना है यहाँ कोरोना कोरोना चल तलाशी ले इसकी। जी साहब। क्या नाम है तेरा? जी राजीव रंजन जी। क्या इसमें? सर ये मोबाइल है पुराने, पार्ट टाइम में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ सर। इतने सारे मोबाइल? सर पार्ट टाइम में करता हूँ। घंटी बजा। घंटी पुराने मोबाइल सर। ला दे मेरे को। अरे सर इसमें सिर्फ मोबाइल है सर, सर कुछ भी नहीं है सर इसमें। इतने सारे मोबाइल? जी। ओहो मोबाइल के अंदर स्मैक है? सर ये मेरा नहीं है सर, मैं तो मोबाइल रिपेयरिंग का। सर मेरा नहीं है सर। सर मेरा नहीं है सर। क्या हुआ सर? बज गई तेरी घंटी? पकड़। कहाँ गया? उधर देख तू। तुम समझ रही थी कि तुम मुझसे खेल रही हो, पर असली बात तो यह है कि मैं तुमसे खेल रहा था। तुम्हें देखकर कोई बता सकता है कि तुम इतनी जहरीली होगी? ये क्या बोल रहे हो तुम? शक्ल से कितनी इनोसेंट लगती हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुमने न जाने कितने लोगों के सपने कुचले होंगे। भूल गई उस राजीव रंजन को जिसकी उंगली पकड़ के तुम शहर आई थी? वही टैक्सी ड्राइवर, वो गुलाटी, वो राजरानी, क्या सबको भूल गई? अगली सीढ़ी कौन था? मैं था। और मेरे बाद कौन? शशांक होने वाला था। You think I'm not aware of it? वाजिद मेरी बात तो सुनो। पैसा तो मुझे मिल गया है और अब मैं इंडिया तभी वापस आऊंगा जब मुझे पैसा देने वाले लोग जेल में होंगे। और हमारी फिल्म? हमारी नहीं, मेरी फिल्म। सुना तुमने? मैं जिसे चाहूंगा उसको लेकर फिल्म बनाऊंगा। ओके। दुबई मैं अकेला जा रहा हूँ, सिर्फ मैं। एक आखिरी बार मेरी बात तो सुनो वाजिद, प्लीज मेरी बात तो सुनो। गेट लॉस्ट। व्हाट? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? वाजिद ऐसा कैसे कर सकता है?
ये सब क्या है सुशी? ये लीगल पेपर्स, अकाउंट्स, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ? देखो माही, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं अभी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हें शायद पता नहीं है, वाजिद फिल्म के सारे पैसे लेकर भाग चुका है। आई एम फिनिश्ड माही, आई एम फिनिश्ड। आई डोंट केयर अबाउट दिस। ओह, यू डोंट केयर? इवन आई डोंट केयर अबाउट दिस फकिंग पेपर्स। डिड यू गेट दैट माही? सो व्हाट? हाँ, सो व्हाट? रियली सुशी, व्हाट अबाउट गोवा, एफटी एंड एवरीथिंग? बहुत हुआ। हाँ, मैं कुछ नहीं चाहता। आई जस्ट नीड अ ब्लडी ब्रेक। तंग आ गया हूँ यार मैं सबकी सहते सहते। कभी इसकी सहो, कभी उसकी सहो, और हाँ, तुम्हारी भी। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, यू जस्ट काम डाउन, यू जस्ट टेक योर मेडिसिन। सुशी, टेक योर मेडिसिन। नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। एंड आई बेग यू माही, प्लीज लीव मी अलोन। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सुशी? तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? यस, जस्ट गो अवे। ओके फाइन, आई एम लीविंग। बाय सुशी, फॉरएवर। लीव इट। सोच रहा हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ए, किधर जाएगा? जहाँ महादेव ले जाए। तुम साले बिहारी लोग इसलिए ही सब जगह से खदेड़े जाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो गई तो भाग चले भागलपुर, दू क्या कान के नीचे। ऐसी बात नहीं है भाऊ, अब मेरा मुंबई में रहने का मकसद तो खत्म हो चुका है, और मेरा यहाँ है ही कौन। ए बिहारी साला, भैया भी बोलता है और तेरा कोई है भी नहीं इधर। मैं क्या हो रहा तेरा, बोला राजू भाऊ। जब तक आपके जैसे लोग हैं मुंबई में, मुंबई को कुछ नहीं हो सकता। आपको हमेशा मिस करूंगा। ये फिरदौस का बैग है, इस कार्ड पे उसका नंबर है, आप उसे मिलकर दे देना। सुबह स्पेशल ट्रेन है, चलता हूं। चल भाग जा, भाग जा, तेरा मेरा क्या रिश्ता भाऊ? हमारा आपका रिश्ता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, निस्वार्थ और पवित्र है। आप चाहके भी नहीं तोड़ पाएंगे। अच्छा भाऊ, चलता हूं। जा, बोला ना तेरे। इसी बीच मुंबई से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अभिनेता शशांक सिंह रावत का शव उनके घर में पंखे से लटका हुआ पाया गया है। मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है। साथ ही कोरोना के केस पूरे देश में बढ़ने से लॉकडाउन में सरकार ने सख्ती के आदेश दिए हैं। रणवीर, हमारे साथ धोखा हुआ है, वाजिद फिल्म के सारे पैसे लेकर भाग रहा है। क्या? मैं कुछ करता हूँ। भाई भाई, हाँ, मीडिया में खबर चल रही है कि शशांक ने आत्महत्या नहीं की है। गया राजीव? मुझे पता नहीं, रात को आया था। बोल रहा था कि मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन कहीं तो गया होगा। नहीं, अभी तो क्या, लॉकडाउन हो गया है और ट्रेन भी बंद हो गई है।
ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ एक दिन ज़रूर आओगी, इसलिए तुम्हारे लिए यह लेटर छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक तुम यह लेटर पढ़ोगी तब तक मैं यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए दूर जा चुका होऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के लिए इस माया नगरी में आया था। इस शहर में अब मेरा दम घुटता है। मैं कहीं भी छोटा मोटा काम करके रह लूंगा। मैं उन लोगों के बीच जाऊंगा जिनके सीने में दिल धड़कता है, जिनमें प्यार होता है। तुमको तुम्हारी खुशियाँ मुबारक हो। जहाँ भी रहो खुश रहो। मैं हमेशा यही दुआ करूँगा। तुम्हारा राजीव। परछाई बनकर मैं तेरे संग चलता हूँ।